हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं खेलने वाला हूँ डुओ वर्सेस डुओ रैंकड गेम, और इस गेम में मैंने बढ़िया बढ़िया हेडशॉट भी मारा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं उतर चुका हूँ हैंगर पे, और बाकी तो इधर और भी बंदे नहीं उतरे हैं। तो राइट साइड में एक बंदा है, तो फटाफट यहाँ पर एक दो गन लूट कर उसके पास जाते हैं। अब मैं हैंगर के राइट साइड आ चुका हूँ और एक बंदा मुझे दिख चुका है। मेरे टीममेट ने इसको डैमेज दे दिया, तो मेरे को ज़्यादा उसको डैमेज देने की ज़रूरत नहीं था। और इसी के साथ मेरा पहला किल यहाँ हैंगर पर हो चुका है। और फटाफट इसके लूट बॉक्स से मेरा बाउंटी लूट लेता हूँ और बंदे को ढूंढने चलता हूँ। तो कटली स्टेशन के ऊपर हमें बंदे दिख चुके हैं, थोड़ा बहुत डैमेज दिया उनको और सीधा उसके पास रश करते चलते हैं। तो अभी क्या सीन होता है कि हम लोग ऊपर तो रश कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा वहाँ पर दिखता नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं कि वो बंदा शायद ड्रॉप के पीछे है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ रहे, तो वो बंदा हमारे टीममेट को पीछे से आकर मार देता है। वो बंदा पत्थर के पीछे ही खड़ा था, लेकिन हमें दिखता नहीं था। तो मैंने उसको मारने की कोशिश किया और मेरे टीममेट को भी रिवाइव करने की कोशिश किया, लेकिन वो बंदा फ्लैश फेस करके मेरे टीममेट को भी डैमेज दे दिया था और मेरे ऊपर रश करता है। लेकिन जैसे मैं उसको थोड़ा बहुत फायर किया, तो वो बंदा फिर से उस पत्थर के पीछे चला जाता है। और मैं यह थोड़ा बहुत वेट करता हूँ, शायद वो बंदा मेरे ऊपर रश करे फिर से, लेकिन वो बंदा आता नहीं, वहीं पर खड़े रह जाता है। अभी मेरे पास एक भी ग्रेनेड नहीं था, तो मैं मेरा टीममेट का लूट बॉक्स से एक ग्रेनेड लिया और उस जो बंदा उधर पत्थर के पीछे था उसको फेंक देता हूँ उसके पास। तो उसको थोड़ा बहुत डैमेज होता है, सीधा रश कर देता हूँ। ग्रेनेड से बहुत डैमेज था, तो एक दो गोली में ही वो नॉक हो जाता है। तो इसी के साथ मेरा दो किल भी यहाँ पर हो जाता है और मेरे टीममेट को फटाफट रिवाइव करके आ जाता हूँ। अब मैं मेरे टीममेट को रिवाइव करके आ ही रहा था, तो मेरे को पीछे से पड़ जाता है, एक बहुत गंदा तरीके से पड़ता है। तो मैं उधर देखता हूँ, तो उधर दो बंदे हैं ऑलरेडी। तो फटाफट मैं इधर, मैंने सुपर मेड ही सोच कर लगाने की कोशिश किया, मेरे पास तो सुपर मेडिकिट नहीं था। तो फटाफट मैंने दो मेडिकिट लगा लेता हूँ यहीं पर। और दोनों बंदे मेरे ऊपर रश कर रहे थे राइट साइड से घूमकर। मैं एक बंदे को देख जाता हूँ, फटाफट इसको किल भी कन्फर्म कर लेता हूँ। और मेरे को और एक बंदा यहाँ सामने एक टावर के नीचे दिखा था, लेकिन मैंने जैसे ही देखा, तो वो बंदा उधर राइट साइड से फिर से घूमकर वहाँ पर आ जाता है। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया, तो मैंने सोचा सीधा रश कर देता हूँ, लेकिन वो मैं गलत था। शायद उसके पास के या शायद कुछ और कैरेक्टर था, तो फटाफट वो हील हो जाता है। मैंने बहुत डैमेज दिया, लेकिन मेरे को नॉक कर देता है। लेकिन अब मेरा टीममेट आता है और सीधा उसको मार कर मेरे को रिवाइव कर देता है। अब क्या सीन है, हम लोग थोड़ा बहुत लूट कर रहे थे यहाँ पर, जो उस बंदे को हमने मारा था अभी भी, लेकिन और एक बंदा आ जाता है ऊपर से। और मैंने इसके लूट बॉक्स से लूट कर ही रहा था, लेकिन वो बंदा हमारे टीममेट को नॉक कर देता है और उसको फिनिश भी कर देता है। तो मैंने सोचा जैसे ही नीचे ही है वेंडिंग मशीन, तो फटाफट उसको रिवाइव करके आ जाता हूँ। लेकिन वो बंदा मेरे को फायर कर ऐसे करता है जैसे मेरे को छोड़ता ही नहीं है। मैं जब तक वो घर के पास नहीं जाता, तब तक के लिए फायर करता ही रहता है मेरे पास। और उससे बचने के लिए एक ग्लूवा लगा चुका हूँ और फटाफट मेडिकिट भी लगा कर एक दो इनहेलर लगाता हूँ फटाफट। और पैन को नीचे रखता हूँ ताकि मेरे को उतना ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता, लेकिन वो बंदा मेरे पीछे ही हद धो के पड़ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर गलती से भी मेरे को अगर वो बंदा मिलता है, अगर मिल जाता है, तो मैं उसको पक्का पीटने वाला गलत तरीके से। और मैं वेंडिंग मशीन से मेरे टीममेट को रिवाइव कर दिया। और इस बंदे को देखो, मेरे पीछे हद धो के पड़ा है सबसे, और इसको मैंने तीन गोली मारा, लेकिन मरता नहीं है फिर से। ये बंदा बहुत डैमेज था, तो मैंने सोचा राइट साइड से जा घूम कर उसको मारने चलते हैं, लेकिन वो बंदा यहाँ से निकल जाता है। पता नहीं कहाँ गया, मैं बहुत ढूंढता हूँ यहाँ वहाँ, लेकिन मिलता नहीं है वो बंदा। बाहर की तरफ से बहुत सारे बाइक घूम रहे हैं, और जैसे ही मैंने बाहर जाने की कोशिश किया, तो एक बंदा रश करता है, तो उसको भी मैंने टाइम लगा देता हूँ और इसको फटाफट किल भी ले लेता हूँ, ताकि और भी बहुत बंदे हैं जो बाइक लेकर भाग रहे हैं, तो वो बंदे मेरा किल ना चोरी कर ले। और एक बंदा रश कर देता है, उसको मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, लेकिन MP40 का उतना डैमेज नहीं लगा। तो मैंने फटाफट इसको घुमाता हूँ यहाँ वहाँ, तो घर के पहले अंदर जाता हूँ, फिर से बाहर जाता हूँ, इससे वो बंदा कन्फ्यूज हो जाता है और मेरा पीछे करना भी छोड़ देता है। तो यहाँ पर जोन नहीं था, तो मेरे को पहले एक सॉलिड कवर लेना चाहिए था। तो फटाफट मैंने यहाँ पर पेड़ का कवर ले लेता हूँ, और मैं यहाँ से थोड़ा बहुत आराम से वेट कर रहा था उस बंदे को, लेकिन मेरे को तभी ऊपर से पड़ जाता है। लेकिन वैसे ही ये बंदा भी रश करता है, तो मैं इसका नॉक कर देता हूँ। और उस रिवाइव वाले घर पे और भी बंदे हैं, एक बंदा शायद है,
वो बंदा अभी बाइक लेकर भागता है, लेकिन मेरे को भी जोन में जाना पड़ेगा, तो मैं अभी फाइट नहीं ले सकता। अभी मैंने थोड़ा बहुत ये यहाँ पर हील कर लेता हूँ मेडिकेट यूज़ करके, और मेरे को और एक जो बंदा पहले रश किया था उसका बाइक वहीं पर खड़ा है, तो फटाफट उसका बाइक ले लेता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। तो जैसे मैंने अंदर जाना ही वाला था जोन में, तो उधर बंदे के फायर आ जाते हैं और मैं यहाँ से गाड़ी मुड़ कर लेफ्ट साइड आ जाता हूँ, और तभी मेरे को अंदर से दो बंदे कैंप करते दिख जाते हैं। वो बंदे चुप कर बैठ रहे थे, मैंने जैसे ही अंदर गया तो वो बंदे मेरे ऊपर फायर करने लगे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर रश करने से ज़्यादा नेट फेंक देता हूँ। पहले एक ग्रेनेड फेंकता हूँ, उससे उस लड़की को थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं, फिर से ग्रेनेड फेंकता हूँ तो वो तुरंत नॉक हो जाती है। तो एक नॉक थी तो मैं सीधा उसके पास रश कर देता हूँ और उसको किल भी आ जाता है, और ये बंदा मेरे ऊपर सीधा घूमता है, लेकिन वो मार नहीं पाता मेरे को, और मैं उसको वहीं पर मार के मेरा 7 किल यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ। उनसे मैंने जैसे ही लूट करके आ ही रहा था, मेरे को और एक बंदा दिख जाता है। बंदे ने मेरे को देख लिया था, तो उसको जैसे ही वो थोड़ा बहुत उधर होल्ड कर रहे थे तो उसका सीधा हेड पे लग गया। यहाँ पर इसका किल भी कंफर्म कर लिया मैंने, और फटाफट बीमा शक्ति के नीचे वाले जो बंदे हैं उसको मारने चलते हैं। अभी सिर्फ 4 ही बंदे बचे हैं, और जोन भी नीचे बीमा शक्ति की तरफ ही आ गया, तो सीधा मैं एल्सब के तरफ आया और मेरे को और एक बंदा दिख जाता है। लो गाइस, इसको भी मैंने बढ़िया तरीके से हेडशॉट मार दिया हूँ। तो इसी बात पे अगर अभी तक आपको इस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो यार, और चैनल पे जो भी नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो सीधा अभी कंटेंट पे बढ़ते हैं, और सामने की तरफ से जो वेंडिंग मशीन है उस घर में मेरे को दो बंदे दिख चुके हैं, वो बंदे वहीं पर घूम रहे हैं। एक बंदा पहले बाहर आता है उसको मैंने जाने दिया, और एक बंदा जो पीछे था उसको मैंने बढ़िया तरीके से हेडशॉट मार दिया, उसको फटाफट किल भी ले लिया। अब जोन भी आ रहे हैं और एक ही बंदा बचा है सिर्फ, तो मैंने उसको मारने की कोशिश किया, लेकिन वो बंदा उसके टीममेट को रिवाइव करने के चक्कर में है, तो उसको मैंने यहाँ से मारने की कोशिश किया लेकिन लगा नहीं, तो मैंने सोचा सीधा रश कर देते हैं उसके पास। तो इसको भी मैंने नॉक कर दिया हूँ, फटाफट इसका किल भी ले लेता हूँ। अब और एक बंदा बचा है जो इसने का टीममेट है, जो इसने रिहाव दिया अभी अभी, वो मैंने यहाँ वहाँ सर्च करता हूँ लेकिन मिलता नहीं है। जैसे मैंने ऊपर देखता हूँ जो आसमान में, तो ये बंदा अभी अभी लैंड कर रहे थे, तो इसको भी किल कर लेता हूँ, और मेरा 12 किल के साथ बोया हो जाता है। लेकिन वो गेम रिवाइव सिस्टम में नहीं दिखा रहता, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मेरा बोया हुआ है, लेकिन वो गेम रिवाइव सिस्टम में उसको शो नहीं कर रहे थे लास्ट बोया वाले सीन को। तो आप देख सकते हो 12 किल के साथ मेरा भैया हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों को इस वीडियो वॉइस ओवर का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, तो करके जाओ यार, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो। बस इतना ही, आई होप आप लोग कर दोगे ये सब। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।